गुड मॉर्निंग। अभी हम बात करेंगे कि कैसे हम इस नेगेटिव माहौल में भी अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं। कल तक कंप्लेंट करते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, फैमिली के साथ हम टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, पर आज सभी के पास टाइम है, सिर्फ उनको छोड़कर जो आज भी ड्यूटी पर हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मोस्टली लोग आज घर पे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या घर से ही अपना सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, उन लोगों के पास बहुत टाइम है। तो उस टाइम को आज कंप्लेंट ये है कि इतना टाइम है, हम क्या करें? तो इसको यूटिलाइज किया जाए। अगर हम इसको सारा दिन न्यूज़ देखने में या फ़ोन देखने में वेस्ट करने की बजाय इसको पॉजिटिव में लगाएं, तो जितना ये टाइम हमें मिला है, इतनी देर में हमारा लाइफ स्टाइल में वो चेंजेस आ सकते हैं जो हम करने के लिए आप लोग कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये 1 महीना या 1.5 महीना जो भी आपको घर रहने का मिला है, इसमें आप पूरी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप बाद में वो नए लाइफ स्टाइल में ही आप जाएं। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल सकते हैं, क्योंकि कल तक तो यही प्रॉब्लम थी कि रात तक हम लेट ड्यूटी से आ रहे हैं, डिनर लेट हो रहा है, या सोशल हमारी वो है, आउटिंग्स हैं। तो अभी तो कोई आउटिंग्स भी नहीं है, तो आप जल्दी सोकर जल्दी उठ सकते हैं। सुबह का अपना टाइम अपना योगा या मेडिटेशन में उसको लगाइए, जिससे आपकी इम्यूनिटी पे भी फर्क पड़ेगा और आपके घर की एनर्जी भी चेंज होगी। जो बाहर की नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके घर को इफेक्ट नहीं करेगी। एक पॉजिटिव ऑरा, एक अच्छी एनर्जी आपके घर की बन जाएगी, क्योंकि आज सब साथ में इतनी देर रह रहे हैं, घर के लोग, फैमिली मेंबर्स, जो आज तक इतने इकट्ठा नहीं रहे, तो घर में डिस्कॉर्ड्स या इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। बच्चे भी कहना नहीं मान रहे, या आपस में कोई डिस्कॉर्ड हो रहा है, वो क्योंकि आप लोग इतनी देर कभी साथ नहीं रहे, तो फ्रिक्शन हर जगह होती है। धीरे धीरे ये जो है एनर्जी चेंज होगी और पॉजिटिविटी की तरफ आएगी, और आप लोग एक दूसरे को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे। जो बच्चे दूर हो रहे थे, वो पास आ जाएंगे। पर उसके लिए आपको मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपको अपने घर का एनवायरनमेंट भी चेंज करना पड़ेगा। कुछ इस तरह की अच्छी बातें, कुछ ऑडियोज़ या कोई वीडियो पॉजिटिव आप लगा सकते हैं, कोई बुक्स रीड कर सकते हैं, कोई भी आप जो अच्छी चीज़ आपको लगती है वो आप पॉजिटिव मोटिवेशनल कर सकते हैं। अलोंग विद अपनी बॉडी के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए। 1 घंटा सुबह का निकालिए, जो घर में ही आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो कीजिए। हेल्दी खाना बनाइए और खाइए इकट्ठे बैठ के। आज आपके पास टाइम है, उसको इंजॉय कीजिए और बच्चों के साथ कुछ गेम्स खेलिए। इससे हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा और हम पॉजिटिविटी देंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतनी ही बात करेंगे। थैंक यू।